हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। देखो, सूर्य भगवान जी भी अभी आ रहे हैं। ओह माय गॉड, सूरज की किरणें पड़ रही हैं, कहते लेने चाहिए। अभी बस मैं जल चढ़ा के ही आई थी सूर्य भगवान को भी, और मैं मंदिर से भी हो आई हूँ। और पानी भरने के लिए लगा दिया मैंने, कपड़े धोने हैं। तो अभी मेरा काम 8 बजे तक फ्री मैं हो जाऊँगी, क्योंकि टाइम हो रहा है 7। तो अभी मैंने लटर पटर जटर कुछ करना नहीं है, तो मैं सीधा अपना काम करूँगी, झाड़ू लगाऊँगी, क्योंकि बेड बना दिया है मैंने। उठते मैंने अपना बेड भी सेट कर दिया था आज, और बाहर के भी सेट हैं और रूम के भी सेट हैं, तो इनका भी काम नहीं है। ये चीज़ अगर आप रात को ही ठीक कर देते ना, जो मतलब जहाँ जैसे मैं लॉबी में होती हूँ तो पिल्लो ऐसे पड़े होते हैं, अगर मैं इसको सोने से पहले ही इनको ठीक करके चल जाऊँ, पिलो वगैरह को बेडशीट सेट कर दूँ, तो ये भी काम कम होता है। और सपोर्ट के सिर्फ अपने ही बेड होता है, आपको पता है, ऊपर मैं ही होती हूँ, तो अपनी वाली साइड का मैं ठीक कर लेती हूँ। उठते ही नहाना होता, जब तक ब्रश करना होता है तब तक तो ये हो ही जाता है, तो ये हो गया। बस पोछे की नीड नहीं है, बट लगा देती हूँ, मैंने कल लगाया था, पर लगा देती हूँ, क्योंकि परसों फिर मंगलवार आ जाएगा, फिर बुधवार गर्मी है ऐसे भी, और धूप भी चढ़ रही है, इट मीन गर्मी पड़ेगी आज, तो ये कर लेती हूँ। सो गाइस, अगर हमारे कपड़े मैं जल्दी धो तो सुबह जैसे 7-8 बजे तक धो तो मैं बाहर ही रख देती हूँ, छत पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इधर भी आ जाते हैं ग्रिल पे कम हो। अगर जिस दिन फिर मैंने महीने से ही नहीं धोए हों तो फिर वो यहाँ पे नीचे तो आज आएंगे नहीं, तो इसलिए छत पे जाना पड़ता है। तो ये मेरे कपड़े भी हो गए, और ये सामने छोटा छोटा घर दिख रहा है, हमारे घर के सामने हरियाली भी है, जियो टावर भी है, पर मेरे पास एयरटेल है, जियो नहीं है। और उसके बाद सारे कपड़े हो गए, पर अभी मैं ये अभी तो मैं छोड़ नहीं सकती यार ज़्यादा दिन के लिए गंदे, क्योंकि मुझे साथ साथ नहीं करने पड़ेंगे, तो मेरा मुश्किल हो जाएगा ना फिर एडजस्ट करना। इतने कपड़े होंगे, एक संडे मिलेगा उसमें भी मैं ये करूँगी, और एक संडे को मुझे और काम भी है, कि वो मैं बाद में बताऊँगी, अभी नहीं बताऊँगी आप सबको। तो बहुत कपड़े धोए थे मैंने, पर थोड़े बहुत होते हैं, जैसे बेडशीट वगैरह एक दो ही होगी तो वो आ जाती है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है, और सूख भी जाते हैं, फिर इजी भी होता है यार, मेरे को ना छत पे जाना ही भूल जाता है, मैं रक्त को आती हूँ जब ज़्यादा होते हैं, बट फिर मैं लाती नहीं हूँ, मेरे को बहुत आलस आता है, बाहर ठीक रहता है, इसलिए मैं सोच रही थोड़े थोड़े करके हूँ, सोचती तो मैं बहुत हूँ, लेकिन बाद में भी वही काम करती हूँ मैं जो नहीं करना होता है, फिर मैं जोड़ लेती हूँ कपड़े फिर धोती हूँ, पर अभी देखते हैं। और मैं यही सोच रही हूँ, मुझे स्कूल में मैंने पहले ही यूनिट जाएंगे, 2 महीने की छुट्टी होंगी, मुझे खुशी होनी थी कि 2 महीने की छुट्टी है, अभी तो मुझे यही है कि सर्दियों की छुट्टी। हाँ, वैसे दिवाली की भी तो पड़ेंगी। हाँ, सो अभी मैं दे रही थी प्लांट्स में पानी, जो ऊपर रखे हुए हैं, फिर ये अच्छे लगेंगे अगर इनको पानी देंगे, हरे भरे रहेंगे ना, सूख जाएंगे तो अच्छे नहीं लगेंगे, तो इसलिए इनको दे रही थी पानी कि ये हरे भरे हो जाएँ, हरे भरे ही रहें, और सबके घर हरे भरे रहें, सबके मन हरे भरे रहें, सब अच्छे से रहें, सब खुश रहें, महादेव सबका भला करे, महादेव सबके लिए बहुत अच्छा करे। सो हे गाइस, मेरा काम हो गया ख़त्म, और मैं आपको दिखाऊं मेरा काम कितने बजे ख़त्म हुआ। 8:23 हो रहे और मेरा काम ख़त्म हो गया। सोचो, अब मैं हो गई हूँ फ्री, और मेरा मिरर गंदा हो गया, मैं सोच रही हूँ इसको मैं साफ़ कर लेती हूँ, है ना, क्योंकि रोज़ देखना होता है मिरर तो सुंदर ही चाहिए, तो ऐसा नहीं है। मैं अगर आपने जल्दी काम ख़त्म करना है ना, मैं आपको सच्ची में बोल रही हूँ, आजमा के देख लेना, कि सुबह उठ के फ़ोन नहीं पकड़ना, बस हाथ में, अगर आप फ़ोन नहीं पकड़ोगे ना, आप सबसे पहले नहाओ धो, पूजा पाठ करो, और आफ्टर दैट काम शुरू कर दो अपना। जब आप अपना काम शुरू कर दोगे ना,
सो गाइस, जब आप अपना बस एक मोबाइल छोड़ दो, सच्ची बोलूँ, और जिस दिन मैं भी मोबाइल पकड़ती हूँ सुबह सुबह, तो मेरा काम रह जाता है, फिर उस दिन पोछा लगाना होगा तो हो सकता है झाड़ू ही लगे। तो इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ, सुबह सुबह फ़ोन को नहीं लगो, फ़ोन लगाना तो काम रुका, ये बहुत बड़ी है। फ़ोन को नहीं लगो, जैसे मैंने मंदिर जाना होता है तो मैं फ़ोन नहीं देखती हूँ, क्योंकि मुझे पता है मैं लेट हो जाऊँगी। तो मैं उठती हूँ, नहाती धोती हूँ, अंदर जोर जलाती हूँ, बस मंदिर के लिए निकल जाती हूँ, क्योंकि फिर मुझे दूध लेने पापा की दुकान पर भी जाना होता है। तो इसलिए तो मेरा बस मिरर ही बचा था, इसको भी साफ कर लेते हैं ना, बस अपना काम हो गया, मेरा काम सारा खत्म हो गया, मैंने दवाई भी खा ली, काम भी हो गया। बस अब मैंने पीनी है चाय, फिर मैंने ब्लॉग एडिट करना है। आज रात को मैंने किया नहीं है वो भी, क्योंकि मैं थक गई थी कल, आपको पता चल जाएगा आज का ब्लॉग देख, आज ये तो कल चढ़ाऊंगी, कल का ब्लॉग देख के तो भी वो भी पोस्ट करना है, तो उसको भी एडिट करना है। तो पहले चाय पियेंगे, फिर ये भी हो गया क्लीन। कल इन्होंने वीडियो कॉल की थी तो ये मिरर को बोल रहे थे, मिरर में दिखा, मैं बोला मुझे इतना अच्छा, क्योंकि कल मैंने करना था, मैं संडे तो करती हूँ, बट कल नहीं किया था मैंने, आज मंडे कर दिया। तो ठीक है गाइस, बाय बाय, टेक केयर। अभी मैं चलूँगी चाय पीने, बट मैं सबसे पहले एक रील बना लेती हूँ, तो बना ही लेते हैं। सो गाइस, मैं अपनी चाय भी ले आई हूँ, 10 मिनट कम नो हो रहे हैं और मेरा काम पूरा ख़त्म है, और मैं दोबारा सोने की तैयारी में हूँ। ये सुबह सुबह मैं जल्दी काम, अभी मैं थोड़ी सोऊंगी नहीं, रेस्ट करूँगी, क्योंकि मुझे आज दुकान भी जाना है। तो अच्छा करते हैं अपना काम। हाँ, मेरा बैक दर्द है गाइस, आपको पता ही होगा सावन का महीना चला और मालपुए ना बने ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो ये बन रहे हैं मालपुए, देसी घी में बन रहे हैं, और जिस दिन ये मंडे की बात है, हाँ पहला सोमवार जो आया था वनवास पढ़ने के बाद, उसमें ये देसी घी के पापा बना रहे हैं, क्योंकि किसी का ऑर्डर भी था और मुझे भी देने थे और बूजी को भी देने थे, तो हमारे लिए भी बन रहे थे। पापा ने बुलाया था कि जल्दी से आ, देसी घी के बन रहे हैं और वो ले जाओ, तो मैं आई, और ये मैं भी खुद भी बना सकती हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। और मुझे बहुत अच्छी बात क्या लगी कि मेरे पापा यार किसी, मैं क्या बोलूँ यार, देखो गर्मा गर्म गर्मा भी कोई आया था दुकान में, तो उनको देने थे ये टेस्ट के लिए, और ये भैया जोगिंदर भैया हैं जो हमारे, वो बना रहे थे ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और ये कब से हैं, जब मैं छोटी सी थी, सेकेंड वाली थर्ड क्लास में थी, कि भैया तब से हैं, और ये जब नी मतलब ज़्यादा काम होता है तभी आते हैं, ऐसे ये घर में होते हैं, घर का गाँव में करते हैं अपना काम। देखो कितने सुंदर लग रहे हैं ना, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी बनाऊं मालपुए, मुझे आते हैं तो मैं बना सकती हूँ, हाँ मैं बना लेती हूँ, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। बैटर को मिक्स करना, तो ऐसे तो भैया ने बनाया ही था, ये मैंने नहीं बनाया है, लेकिन मैं कर लेती हूँ इतने से काम। नाउ इट्स फॉर माय टर्न, है ना। किस किस को खाने हैं मालपुए, वो DM कर सकते हैं और उनको मिल जाएंगे, ऑर्डर दे सकते हैं, फिर आपको मिल जाएंगे। इंस्टा पे DM करिएगा, अगर किसी को कुछ चाहिए होंगे तो वो ये गोवर्धन पैलेस है जो उधमपुर में, उसके सामने दुकान है पापा जी की, आप उधर उनको सुबह बोल सकते हो जब आपको चाहिए, और पिछले दिन बोल सकते हो कि इतने चाहिए, आपको मिल जाएंगे और फ्रेश मिलेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, ये सारे ऑर्डर पर ही थे। So, ये गाइस, आज मेरे कैमरामैन मेरे पापा ही बने थे, जब मैं पूड़े निकाल रही थी इन्होंने ही पकड़ा था कैमरा, तो ये नहीं है, मेरी मम्मी पापा की भी मुझे फुल सपोर्ट है, ऐसी बात नहीं है।
हाँ जी गाइस, ये मंसोत्रा स्वीट शॉप मेरे पापा की दुकान है। आपको कुछ भी चाहिए होगा, कैटरिंग करवानी होगी, फंक्शन वगैरह कुछ भी, मिठाई दूध दही कुछ भी, तो आप इस दुकान पे आके कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये दुकान में डाल दिए पूरे, और ये अपोजिट है जेके सिटी स्कैन गवर्नमेंट पैलेस के सामने। सो गाइस, ये बड़ी दीदी ने ली थी क्लास अपनी, जो इनका वो हेल्थ क्लब के रिलेटेड हर्बल का क्लब है, जो ऑनलाइन क्लासेस होती हैं वो फिटनेस के लिए। तो दीदी कोच हैं और दीदी सिखाते हैं, तो दीदी करा रहे थे क्लास। तो मैंने ये बोल रही थी कहाँ कर रहे हैं, मैंने बोला इधर ही। सो हे गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय नेक्स्ट ब्लॉग। ये मैं कल वाला ब्लॉग रही वाला जोड़ के डालूंगी। आज मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है, वो मैं आपको नहीं अभी नहीं बताऊंगी, मैं लास्ट में बताऊंगी। तो जुड़े रहें ब्लॉग के साथ। और मेरा आउटफिट देखो नाइस। और अभी 8 बज रहे, मैं चली भाई लेट हो गई। क्या आप नहीं लगता है ना, आप रहने दो उसको। सो हे गाइस, टुडे इज माय फर्स्ट डे इन स्कूल एज अ टीचर। ये मेरा क्लासरूम है, अभी मैं काम कर रही हूँ कल वाला पेंडिंग। सो हे गाइस, मैं स्कूल से घर आ गई हूँ, मैं सो गई क्योंकि मुझे पता नहीं था कि मुझे आज ही अपॉइंट करने ज्वाइनिंग के लिए बोल देंगे। तो मैं तो ऐसे ही गई थी और मैंने ना ब्रेकफास्ट किया ना कुछ, चाय तक नहीं पी, ऐसे दवाइयाँ खाई थी और मैं निकल गई थी। बट अभी मैं घर आ गई हूँ और अब मैंने खाना भी खा लिया, फिर सो गई थी। अभी मेरी आँख खुल गई है तो मेरे बड़े सर दर्द हो रहा है यार आज, क्योंकि सुबह सुबह वो सिर्फ दवाइयों का डोज हो इतना हैवी होता है, तो कुछ कुछ नहीं आई नहीं। तो अब पता भी नहीं था, फर्स्ट टाइम था तो बिजी भी रही। चलो धीरे धीरे पता चलेगा तो बंदा खुद के लिए कर लेते हैं। चलो